वेलकम दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस वक्त मेरे पास ये एक डिजिटल वेट स्केल है। कुछ टाइम पहले ये जो डिजिटल वेट स्केल है, इसका जो डिस्प्ले है वो ख़राब थी। जो मैंने रिपेयर किया था उसकी वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपका स्केल जो ना वो ख़राब हुआ पड़ा है। आज का जो टॉपिक है, ये जो स्केल है इसमें इसको रन करने के लिए हमारे पास जो इसके अंदर जो सेल लगी है वो सिक्के टाइप का जो सेल है वो लगी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की सेल लगी है। और ये जो सेल है ये मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है वो 150 रुपये चल रहा है। और इसको जब लगाते हैं आप, तकरीबन ये 4 से 5 महीना जो है ना ये चल जाता है, उसके बाद इसकी जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम बनाएंगे, आज रिचार्जेबल बनाएंगे इसको। ये जो सेल है इसका झंझट ख़त्म करेंगे। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये जो सेल है ये आसानी से मिलना नहीं चाहता है। अगर आप इसको ख़रीदने जाएंगे तो ये आपको किसी मार्केट वाली जगह पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती हैं उस तरह के, मतलब मार्केट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर किसी न किसी दुकान में आपको मिल जाएगा। हर जगह पर ये अवेलेबल नहीं है। तो आज हम इसको ख़त्म करके इसके अंदर जो ना रिचार्जेबल सिस्टम बनाएंगे, जिससे ये है कि आप अपने मोबाइल के चार्जर से बस थोड़ी देर चार्ज करेंगे आधा घंटा, उसके बाद ये चार्ज होना इसकी फुल हो जाएगी और ये जितनी चलती है इससे 10 डबल जो ना वो ज़्यादा जो ना वो टाइम तक निकालेगी। एक दफ़ा चार्ज करने के बाद हम इसमें लगाएंगे जो 18650 की जो बैटरी है वो बैटरी लगाएंगे। 2000 mAh की होती है, लेकिन ये यूज़ में है तो तकरीबन 1800-1900-1200 तक mAh इसके अंदर मौजूद होगा। तो उसके बाद इसको चार्जिंग करने के लिए हम चार्जिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है 18650 की जो बैटरी, 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है, इसको चार्ज कर सकते हैं इस सर्किट के ज़रिए। तो ये सर्किट आपको आसानी से दराज से मिल जाएगा और ये जो बैटरी है ये भी आसानी से दराज से भी आपको मिल जाएगा। तकरीबन ये 200 रुपये तक इसमें खर्चा है टोटल मिला के। तो इसको एक दफ़ा खर्चा करने के बाद जो है ना आपका जो ना ये लाइफ टाइम के लिए बन जाएगा और आपको बार बार जो है ना वो इस तरह की जो सिक्के वाली जो सेल है और काफ़ी महंगी भी है और जो मिलना नहीं चाहता है, तो वो सारा मसला जो है ना आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मसला क्या आ रहा है। देखिए, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये केजी दिखा के उसके बाद लो आ गया, लो ये लो दिखा दिया, लो दिखा के बंद हो चुका, मतलब इसकी जो बैटरी है वो लो है। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाएगा, ये देखें 9 kg दिखाया, उसके बाद लो आ गया, बैटरी इसकी लो है, बैटरी इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं और उसके बाद जो ना इन दोनों सर्किट को हम किस तरह जो ना सेटिंग करेंगे इसके अंदर, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्केल को मैंने ओपन कर लिया, इसमें 3 स्क्रू लगे थे, स्क्रू मैंने खोल दिया है। तो अब इशू ये आ रहा है कि ये जो हमने 18650 की बैटरी लगाना चाह रहे थे वो इसके अंदर स्पेस कम है, जिसकी वजह से ये लग नहीं सकती। ये आप देख सकते हैं जहाँ भी लगा रहा हूँ वहाँ पे सर्किट के इशू की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, हमारा जो कवर है वो बंद नहीं होगा। तो इस मसले के हल के लिए मैं अभी, मेरे पास ये दूसरी बैटरी है 18650 बैटरी के बजाय जो ना ये हम इस्तेमाल करेंगे 3.7 वोल्ट की बैटरी है, ये भी सेम इसी तरह के काम करता है और इसके अंदर mAh ज़्यादा है। ये जो बैटरी है ये कहाँ से मिलेगी, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह की बैटरी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको ये बैटरी मिल जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की बैटरी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये बैटरी मौजूद ना हो तो आप इस तरह की छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये जो बैटरी है, इस तरह की छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं। इसमें यह होगा कि बैकअप थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी कुछ दिन बाद बाद आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। और ये एक मोबाइल की बैटरी है, पुराने ओल्ड मोबाइल की बैटरी है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कहने का ये है कि आप 3.7 वोल्ट की कोई भी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर बाहर इसको चिपकाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको दिखने में बुरा लगेगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि दिखने में अच्छा ना लगे, तो इसके लिए मैं आप ये जो मैं अपना जो स्केल है इसके अंदर ये वाली बैटरी लगाना चाह रहा हूँ। तो इस बैटरी को लगाएंगे कैसे, यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दूंगा बैटरी को और इसका जो चार्जिंग है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। दोस्तों, चार्जिंग मॉड्यूल को लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आयरन, सोल्डरिंग आयरन को इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी चीज़ के ज़रिए, आप सोल्डरिंग आयरन हो या किसी भी चीज़ के ज़रिए, आप जो ना इस चार्जिंग मॉड्यूल को लगाने के लिए एक सुराख कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है और जो हमारा माइक्रो यूएसबी पोर्ट है वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको ग्लू गन के ज़रिए इसको अच्छी तरह यहाँ पे चिपका लेंगे। आप किसी भी ग्लू के ज़रिए आप इसको चिपका सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप देख सकते हैं मैंने इस वक्त ग्लू गन के ज़रिए इसको चिपका दिया और ये अच्छी तरह हमारा जो चार्जिंग मॉड्यूल है वो फिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका कनेक्शन करते हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट दिया गया है, एक तो बैटरी प्लस माइनस है और एक आउटपुट प्लस माइनस है। तो इसको किस तरह कनेक्शन करेंगे, पहले हम इसमें 4 वायर लगा देते हैं। तो माइनस पॉइंट लगा दिया, प्लस पॉइंट भी मैंने लगा दिया, आउटपुट का माइनस भी लगा दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो हमारा जो प्लस पॉइंट है आउटपुट का, इसको हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, 2 डायोड लगाना पड़ेगा। ये जो डायोड है ये आसानी से आपको मिल जाएगा, 1 एम्पेयर का डायोड है।
इसके अंदर आप देख सकते हैं एक साइड ब्लैक है और एक साइड जो ना वाइट है। हमने इसको सीरीज में दो को कनेक्ट कर लिया एक साथ, और अब जो इसका जो ब्लैक वाला जो साइड है इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा जो चार्जिंग मॉड्यूल का जो आउटपुट है इसके साथ लगा देंगे। और इसके साथ जो दूसरा जो पॉइंट है इसका, जो पहला वाइट कलर का जो पॉइंट है, इसके साथ हम अपना प्लस पॉइंट जो है ना वो कनेक्ट कर देंगे जो आउटपुट का है। तो अब हम कर लेते हैं इसका कनेक्शन कर लेते हैं। जो सर्किट के अंदर जो माइनस और प्लस का जो पॉइंट लगेगा वो तो आउटपुट प्लस और माइनस लग गया, और अब हमारे पास जो चार्जिंग मॉड्यूल के साथ जो बैटरी लगनी है उसका जो दो पॉइंट है वो रह गया। इसका भी प्लस और माइनस पॉइंट है, सिंपल इसका कनेक्शन है, बहुत ही ईजिली आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको देख के इसको समझ नहीं पाए। आखिर में दोस्तों बैटरी को हम ग्लू गन के जरिए अच्छी तरह इसके अंदर चिपका लेंगे ताकि ये अंदर से हिले नहीं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है, बस आपको सारे चीज़ें एक दफ़ा मैं रिव्यू करा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये जो बैटरी हमारे पास लगी है, इसका जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है ये डायरेक्ट कहाँ पे चला गया है प्लस पॉइंट, ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है चार्जिंग मॉड्यूल का जो बैटरी का प्लस पॉइंट है यहाँ पे लग चुका है, और जो माइनस पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, ये जो माइनस पॉइंट है ये डायरेक्ट यहाँ पे जाके और ये जो बैटरी का माइनस है इसके साथ ये लग चुका है। उसके बाद जो हमारा जो आउटपुट है ये चार्जिंग मॉड्यूल से जो आउटपुट निकल रहा है ये प्लस आउटपुट है और ये माइनस आउटपुट है। माइनस आउटपुट डायरेक्ट हमारा जो स्केल है उसके अंदर जो माइनस पॉइंट है उसके साथ हमने लगा दिया, ये देख सकते हैं इसके साथ लगा दिया। और जो प्लस पॉइंट है उसको हमने दो डाइवर्ट को क्रॉस करके लिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस पॉइंट पे लग चुका है और ये जो डाइवर्ट से आउटपुट होकर यहाँ से ये प्लस निकल रहा है। तो इस डाइवर्ट को लगाने की वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ये जो बैटरी हमारा ये 3.7 वोल्ट की है तो मैक्सिमम 4 वोल्ट 4.20 वोल्ट तक जाता है, लेकिन अगर हम इस स्केल को चलाना चाहें तो इसमें जो हमें बैटरी ये जो सेल मिली है आप देख सकते हैं ये 3 वोल्ट की है। तो 3 वोल्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने दो डाइवर्ट लगा दिया तो ये तकरीबन 1 वोल्ट जो है ना इसमें से ये माइनस कर देगा। तो 3.7 वोल्ट या 4 वोल्ट की जो बैटरी है इसको 1 वोल्ट माइनस करके ये 3 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों इसको ज़रा आपको चेक करके दिखाता हूँ कि वाकई ये 3 वोल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये आपको चेक करने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर का मदद ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास जो बैटरी है पहले इसके साथ हम लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ कितना वोल्ट है। तो 3.50 वोल्ट तक आ रहा है, इसमें अभी चार्जिंग फुल नहीं है, तो चार्जिंग फुल करने के बाद 4 वोल्ट तक चला जाएगा। तो आप देखते हैं इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, जो हमारा जो सर्किट को मिला है वो देख सकते हैं आप, 2.86 वोल्ट आ रहा है। तो जब ये 3.5 वोल्ट से ये 4 वोल्ट तक चला जाएगा तो ये तकरीबन 3 वोल्ट तक आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप 2.86 वोल्ट है, और ये जो है ना डायरेक्ट अगर हम लगाते हैं तो 3.5 वोल्ट आ रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको लगा देते हैं तो उस सूरत में ये हमारा जो सर्किट है ये जल जाएगा, ये ओवर वोल्टेज आ जाएगा इसके ऊपर। तो इसके लिए जो ना इस दो डायोड को इस्तेमाल किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ की वोल्टेज को जो ना वो थोड़ा बहुत कम करना हो तो आप इसको डायोड को इस्तेमाल करते हुए इसकी जो वोल्टेज है वो कम कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्किट तो हमारा मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका, तो अब इसको करते हैं हम इसको चेक करते हैं, ज़रा इसको चार्जिंग चेक करते हैं सबसे पहले कि ये चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए नॉर्मल हम जो मोबाइल का चार्जर है वो इस्तेमाल करेंगे, और ये आप देख सकते हैं यूएसबी पॉइंट इसमें मैं लगा रहा हूँ, जैसे ही माइक्रो यूएसबी पॉइंट पे जैसे ही लगा रहा हूँ ये लग गया, ठीक है। तो अब हम इसको जो पावर बटन है इसको जैसे ही बिजली का सप्लाई देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये एलईडी लाइट है ये ऑन हो चुका है और ये चार्जिंग शुरू हो चुका है। तो इसकी जो चार्जिंग है वो थोड़ी सी कम है, इसको पहले थोड़ा सा चार्ज होने देते हैं, क्योंकि ये 3 वोल्ट इसको पूरा नहीं मिल रहा था, 2.86 वोल्ट आ रहे थे और इसमें भी फुल चार्ज नहीं है। तो इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करने के बाद इसको फिर इसको बंद करके उसके बाद आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने थोड़ी देर चार्ज कर लिया है, अब ये चलने के काबिल हो चुका है। तो अब इसका जो बैक कवर है इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद इसको सीधा करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसको हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर हम इसको सारे टेस्टिंग करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने लगा दिया है, इसका ये स्क्रू है इसको बाद में लगा दूँगा, फिलहाल ये आप चार्जिंग देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं इसको चार्जिंग पर लगा रहा हूँ तो ये चार्जिंग का जो पॉइंट है यहाँ पे जो ना ये पूरी जो ना रेड हो रही है, अभी यहाँ पर रोशनी बहुत तेज है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से बाहर से वैसे नज़र आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो सेल है इसको मैंने खोल दिया है और ये हमारा जो इसमें जो आउट इनपुट है सर्किट के अंदर वो ये बैटरी का जो पॉइंट है वो हमारे पास ये लगा हुआ है। तो इसको अभी हम इसको खोल देते हैं और सीधा करके इसको देखते हैं कि ये हमारा जो स्केल है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसको मैंने सीधा कर दिया है, अब इसको ज़रा लगा देते हैं वेट। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारा जो स्केल है वो काम कर रहा है, ये 13.80 kg जो ना ये मेरा जो हाथ का जो वेट है मैंने जोर लगा के रखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह ये काम कर रहा है। जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप दोबारा इसको चेक करते हैं, ये देखें ठीक है, अभी थोड़ा सा हल्का जोर पड़ा है तो 13 kg जो ना इसमें आ रहा है। तो ये अच्छी तरह आप देख सकते हैं इसका जो पीछे जो बैक है ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई सेल नहीं है, ये हमारा जो सेल है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं सारा जो सिस्टम है इसी के ज़रिए काम कर रही है, हमारा चार्जिंग पॉइंट है, और ये जो है ना इसको घुमाने में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरह जो हमारा जो स्केल है वो काम कर रहा है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलेंगे एक नया प्रोजेक्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।